यानी बोली की शान भाई फौजी कर मेरी जागरण कथे वाले को जोर जोर तालियों के स्वागत बोलिए सच्चे दरबार की। मीठी मीठी तालियां बजते रहना चाहिए। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं आज माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों का, इस गाड़िया लोहार समाज का, कि जिन्होंने मेरे को आज ये जागरण करवा के इस मंच के काबिल समझा, माता रानी का गुणगान करने के काबिल मुझे समझा। और उसके बाद मैं आए हुए तमाम भक्तजनों का शुक्रगुजार हूं जो भी मेरे को लाउड स्पीकर के माध्यम से सुन रहे हैं, कि जिन्होंने मेरे एक एक गीत, एक एक भजन, एक एक रागिणी को इतना प्यार दिया, जिसकी बदौलत में आज इस स्टेज के ऊपर हूं। और भगत जनों, इस गायकी क्षेत्र में, इस कल्चर एक्टिविटी में मेरे को आज तक जो भी मान सम्मान मिला है, हरियाणा ताज अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड, पानीवाली एल्बम को इंडिया अवार्ड, फेमस इन हरियाणा का अवार्ड, डायमंड ऑफ इंडिया का अवार्ड, ये सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। हमारी तो सिर्फ मेहनत है, संघर्ष है सिर्फ हमारा। तो ये मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यार है ये। और भगत जनों, अभी एक माता रानी के चरणों में भेंट कि आप लोग आए हो, माता रानी का दरबार सजा हुआ है। हर भगत के दिल में कोई ना कोई तमन्ना, कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई इच्छा जरूर है कि हे माता रानी मेरा ये काम कर दे, हे माता रानी मेरा ये काम कर दे। लेकिन भगत जनों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कहते हैं भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करते, तो माता रानी जरूर आपके भंडार भरेगी। लेकिन अगर आपको किसी का बिल बना दिया माता ने, तो भगवान की दी हुई चीज के ऊपर इंसान को जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाली भी माता है तो छीनने में भी सिर्फ 5 मिनट लगाएगी अगर आप में घमंड आ गया। इसीलिए एक ही प्रार्थना करनी है, अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका काम पूरा हो गया, एक ही प्रार्थना करनी है कि हे मेरी शेरावाली माता, आपने मुझे जो दिया मुझे संतुष्टि है, बस खुश हूं मैं, जैसी मेरी नियत थी वैसी थाने बरकत कर दी। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मैं, एक तो मेरा बुरा समय था, जिंदगी में कुछ नहीं था, नंगे पैर में तेरे दर पे आया करूं था, मेरे पैरों में छाले पड़ जावे थे और मैं हाथ जोड़ के झोली फैला के यूं बोलूं था कि हे मां मेरा अच्छा समय कद आवेगा, मेरा अच्छा समय कद आवेगा। और आज वो मेरा अच्छा समय आ गया, कोई कमी नहीं है मेरे पास, आपने सारी खुशियां दे दी मुझे। लेकिन इस अच्छे समय को पाके जिंदगी में जो बुरा समय मेरा आया था, मैं उसे भूलना नहीं चाहता माता रानी। क्योंकि भगत जनों, में आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिंदगी में आया हुआ अच्छा समय को पाकर के इंसान अगर उस बुरे टाइम को भूल जाता है जो जिंदगी में आया था, तो समझ लो वो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। और जो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, वो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। और जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, उस इंसान की समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। और समाज में जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं रहती, वो इंसान जीते जी मरे के समान होता है। इसीलिए मेरी शेरा वाली माता, मुझे मुनाफे में, टोटे में, गरीबी में, अमीरी में, किसी भी हालात में रखिए, लेकिन मुझे मेरी औकात में रखिए, ताकि समाज के सामने गर्दन उठा के चल सकूं, मुझे गर्दन नीची ना करनी पड़े। और किसी काबिल अगर आपको बढ़ा दिया, तो एक ही फरियाद करनी है भगत जनों, चलिए एक मीठी मीठी वंदना लेके चलते हैं माता के दरबार में। क्या फरियाद करनी है, क्या बताया? हो इतने दुख भी ना देना माता, कि सह नहीं पाऊं मैं। हो इतने सुख भी ना देना मुझको, कि थाने भूल जाऊं मैं। आज दुनिया की सारी खुशी
चाहे मुझे मिल जाओ, फिर भी कहूंगा मैं तो आज तेरा ही दिया खाऊं मैं। और ऐसा ऐसा दिल मेरे इस सीने में तू रखना, गरीब बेसहारा के भी सदा काम आऊं मैं। और ये पैर सदा पड़े इस जमीन पे टिका के रखूं, वैसे चाहे अंबरा मैं रोज उड़े जाऊं मैं। ये पैर सदा अपने जमीन पे टिका के रखूं, वैसे चाहे अंबरा मैं रोज उड़े जाऊं मैं। भगत जनों, आप कितने मर्जी हवा में हो जाओ, सुन लेना भाई, कोई लीडर अगर मेरे को सुन रहा हो तो, कितनी मर्जी तरक्की करो जरूरी है, कितने मर्जी हवा में हो जाओ, लेकिन नीचे देखो आपके पैर जमीन पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे और आप हवा में होंगे तो दुनिया बोल लेगी ये तो सूखी हवा में हट है भाई, इसमें कोई को नहीं पूछा, इसका साथ छोड़ दो। इसीलिए कहता हूं कि ये पैर सदा अपने इस जमीन पे टिका के रखो, वैसे चाहे अंबरा मैं तो रोज ही उड़े जाऊं मैं। और ऐसा ही सलूक मेरा इन लोगों में तो रखना, के सारा जग रोवे जद दुनिया से जाऊं मैं। We'll be right back.
खैर मैं बताता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे, सभी को मैं चाहता रहूं। के गांव शहर देश की भी खैर मैं मनाता रहूं। भगत जन ये दिल्ली है, दिल है ये हिंदुस्तान का, भारत का दिल है। गाजियाबाद में दिल्ली में हम लोग कोई फर्क नहीं समझते, आप लोग बोलते हम गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन हमें तो पता ही है दिल्ली गाजियाबाद सब एक है। आप कहीं भी किसी भी इलाके से आए हो, अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, अपने सूबे को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के भी विदेशों में भी आज भक्तों के बिजनेस चल रहे होंगे, लेकिन आप कहीं भी बैठे हो, वहां बैठे बैठे भी माता रानी के सामने हाथ जोड़ के ये फरियाद करनी है कि मां, एक तो मेरी एक कर्म भूमि जहां आपके आशीर्वाद से मैं कमा रहा हूं, मेरी रोजी चली हुई है, लेकिन एक तो मेरी जन्मभूमि, मेरा वो गांव, मेरे गांव की वो गलियां, मेरे घर का वो आंगन जिसमें मेरा बचपन बीता था, मेरी माता और मेरे गांव के वो सीधे साधे लोग, उनकी भी इसी प्रकार से तरक्की करवा दे जैसी आज आपने मेरी तरक्की करवा के रखी है। कभी भी किसी के प्रति दिल में ज्वलनशील भावना पैदा मत करना भगत जनो, वरना खुद जल जाओगे, किसी का कुछ नहीं लोगे कैसे। अरे काम शहर देश की तो खैर मैं बताता रहूं, सारे मुझे चाहते रहे, सभी को मैं चाहता रहूं। सातापन तेरी हर बात पे तू राखिए, मुझे मेरी दादाजी हो जी, हो रात में
प्यार करता हूँ, बस आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। माता की आवाज नहीं आई, वो कैंबो खुश नहीं हुआ, उठाओ हाथ ऊपर, सेम कार्रवाई सारे। ए रोशनी उठा बेटी, दोनों हाथ ऊपर, ध्यान दिया करो, इस साइड जोर से बोल, तेरी काख में से मुर्शन पाट नहीं सके, फिर ये उठाने शर्मावे क्यों है, जोर से बोलियो, बोल शेरा वाली माता की। मुकैम्बो खुश हुआ, ऐसे होता मुकैम्बो खुश, ठीक है, हंसते रहा करो। मैं चाहता हूं जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है, हर एक के चेहरे पर हंसी खुशी खिलावट बरकरार रहे। वेरी गुड। अभी एक भजन आप लोगों के बीच में, किस प्रकार से आज भक्तों ने दरबार सजाया हुआ है, भगत जन आए हुए हैं, ढोल धमाके बज रहे हैं, रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, और माता रानी को बुलाने के लिए अपने जागरण में बताते हैं कि हे माता जी, आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे जगराते में, हम आपको बुलाना चाहते हैं, एक बार तो आपको आना पड़ेगा। और बड़े प्यारे अंदाज में क्या कहते हैं भगत जन, हाँ आज जगराता है, भवन सजाया है गाजियाबाद में, भक्तों ने मैया आज तुमको बुलाया है, आजा भवानी अम्बे तुम। और जब आप आओगी तो हम सब खोलेंगे मैया वेलकम फॉर यू। एक मिनट रुक जा, यो वेलकम फॉर यू पे प्रॉब्लम आ गई ना, पुरानी लेडीज ने मेरे को लिखे बोल गया। ऐसा है जी, ये न्यू जनरेशन इंग्लिश मीडियम वाले आजकल के बच्चों को तो पता है वेलकम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम सब बोलेंगे भैया वेलकम फॉर यू, आप आओगी तो हम आपका स्वागत करेंगे, आंखें बिछाए बैठे आप आइए एक बार, इसका ये मतलब है, ठीक है जी। कैसे, हाँ आज जगराता है, हवन सजाया है, भक्तों ने मैया आज तुमको बुलाया है, आजा भवानी अम्बे हम सब बोलेंगे मैया वेलकम फॉर यू, हम सब बोलेंगे मैया वेलकम फॉर यू। आज जगराता है, हवन सजाया है, भक्ति की भावना, ये नानी सेहत के लिए तू तो हाथी गाल के है, हम पे बोली
बसाएंगे सूरत ये प्यारी प्यारी आत है लाल लाल घोटे वाली चुनरी मां लाएंगे। हां जी बहन जी प्रॉब्लम क्या है, शर्माना नहीं है माता के दरबार में आगे तो कैसे। हां जी तेरे दरबार में हर साल आएंगे जाओ
किससे की टेंशन मत लो, सभी की फरमाइश पूरी होगी। और अभी एक भजन आप लोगों के बीच में, ये भोले बाबा का भजन बेटे ने बताया है। अभी पहले भोले बाबा का गाऊं बेटा, पहले तेरी फरमाइश पूरी करूं। कोई बात नहीं, भोले बाबा का भजन गाता हूं पहले और उसके बाद मैडम आइए हमारे साथ में। कलाकार महिला कलाकार है, फीमेल आर्टिस्ट, वो भी आप लोगों के बीच में होंगी। झांकियां भी बारी बारी आती रहेंगी। तो किस प्रकार से ये भजन भोले शंकर का ये भजन के बहुत ही प्यार, आपकी बार कावड़ के मेले पे नंबर वन पे आप लोगों ने प्यार दिया इस भजन को। और किस प्रकार से वो गोरा ये सोचती थी कि भोला कब भांग पीड़ी छोड़ेगा, कब भांग पीड़ी छोड़ेगा। बहुत लड़ाई की गोरा ने, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। तो गोरा ने एक दिन ड्रामा रचाया कि मैं क्यों ना भांग पीड़ी का ड्रामा करती हूँ। और भोला को जब नजर आएगा कि गोरा जो है ऐसा करेगी तो घर उजड़ जाएगा, तो भोले बाबा अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप मान जाएंगे एक बात के द्वारा किस प्रकार से गोरा भांग पीने का ड्रामा करती है। और भोले बाबा गोरा को देख के क्या कहता है और क्या सवाल का होता है बनेंगे। है अरे खड़ी खड़ी तू हाल रे गोरा चाल का सूफी
बात है। हेरे आज खड़ी खड़ी तू हाल रे गोरा चाल कसती चाल है। ये गोरा भी आ गई। आओ जी बैठ जाओ, आओ आओ सेंटर में आओ, कैमरे के सामने आइए आप। आओ जल्दी नीचे नीचे बैठना नहीं है, फिर आधे लगानी है तो बांस के साथ। कैसे? हाँ बेटा तुम ऊपर दास करोगे हैं। हाँ आज खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। ओए खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। आज खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। आज खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। अरे चाल कसूती चाल है तू चाल कसूती चाल है। आज खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। आज खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चाल है। अरे कहे तो तीन I'm sorry.
व्यवस्था बनाओ, अब मैं क्या करूं भक्तों में मस्त। अरे हमने भी उम्मीदों की समाएं जला रखी हैं। भैया कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया भक्तों ने, देखो कितना बढ़िया पंडाल सजाया है माता, इसलिए आज भक्तों ने हर गली सजा रखी है। ताली बजा दिया करो, बहुत अच्छे लगे तो वेरी गुड। और भी एक गाऊंगा केसी रागिणी, उसके बाद में मैडम और मैं झूठ गाएंगे। रागिणी क्या होगी, अब पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये ऐतिहासिक बातें पसंद करते हैं, महाभारत के किस्से की रागिणी होगी। और रागिणी किस टाइम की होगी, बहुत नाच कूद ली हमें, अभी बैठ जाओ, अभी आराम से सुनो ये रागिणी, ये भजन। इस भजन के बोल होंगे कि लुगाई को, लुगाई पे घर की जवाबदारी होती है जिसे घरवाली बोलते हैं, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए जिससे लड़ाई हो जाए। इसीलिए द्रौपदी ने अर्जुन को कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो अर्जुन के यहां जाके लगी, अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा द्रौपदी अपनी जबान को लगाम दे, वीरवाणी का बोलना इतना ठीक को नहीं है। और द्रौपदी यूं बोली, ऐसा मैंने क्या बोल दिया, ऐसा मैंने क्या कह दिया, आप मुझे खाने को आ रहे हो, मैंने क्या कर दिया। फिर अर्जुन कहता है द्रौपदी बताऊंगा तुझे किस किस टाइम पर कौन कौन सी गलती की है जिसका खामियाजा भाइयों को जन्म लड़के हमारे को आपस में यहाँ पर जो है भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल देसी प्योर हरियाणा की ठेठ देसी तरज, जिसे गाने में बड़ा जोर लगता है लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आता है भगत जनों। और किसी को पता हो कि रागिणी भजन चीज क्या होते हैं उसको पता लगेगा कि यह चीज क्या है। इस रागिणी की, इस भजन की 22 लाइन और 211 शब्द, एक एक शब्द की एक एक लाख रुपए कीमत है समझने वाले के लिए। इसके बाद फिर गीते भंगड़े वाला भजन में गाऊंगा, इसलिए आराम से आप लोगों ने भजन सुनना है। कैसे जिसका खामियाजा हमें यहां पर महाभारत की लड़ाई लड़के जो है भुगतना पड़ेगा। सुन लेना गौर से क्या बताया। हाँ द्रौपदी कर ले न बंदे ये जुबान तेरा बोले खाने। जिस टाइम पर पांडवों का महल बनके तैयार हुआ था, राजा कर्ण और दुर्योधन बड़े चाव में भर के भाइयों का महल देखने के लिए आए थे, और तूने छज्जे पे खड़ी खड़ी ने दोनों का कैसे मजाक उड़ाया था वो बेइज्जती उनको याद है। और पहली बात में क्या बता दिया भगत जनों, तेरे चक्रवर्ती राजा दुर्योधन ने, महल देखने आए थे संगे ठाकरण बलकारी। अरे आखिर वो तेरा जेठ लगे था, ओ आखिर वो तेरा जेठ लगे था, मन गोली सी बल्ली मारी, तूने अंधों का अंधा बोलिया वहां
लाज शर्म को दी सारी दुनिया को लाज शर्म को दी सारी हो बैठ जा होशी में करे तो तूने इतने कड़वे शब्द यूज करे थे जिसको सुन के अगर मैं यहां बताऊंगा तो शायद शर्म भी शर्मा जाएगी कि ऐसा मैंने क्या बोला था कि सुन ले बताऊंगा उस टाइम पर तूने भरी सभा के अंदर कैसे अपमान किया था उस कर्ण का और क्या बताने लगा दूसरी बात में जब नीन बिंधने वो कर्ण उठा था सभा में रे बोली मानी बठे मान कटो बलगारी मार अरे तू सासने तने काग बतायो रे तू सासने रे काग बतायो और काम बताया जुआरी का अरे थारी इन बातों के कारण आज पैर करे कथारी का थारी इन बातों के कारण आज पैर करे कथारी का रक्षा करना आपका काम है लेकिन आप खामोश खड़े थे उस टाइम पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। अर्जुन कहने लगा द्रौपदी कच्चे धागे के बंधन से बंधे थे पांचों पांडव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए हम लोग इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं द्रौपदी एकदम से बाणों की फटकार मारती है कहती है कायर डरपोक जंग से भाग रहे हो तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते डरपोक हो। अर्जुन को और गुस्सा आ गया कहता है द्रौपदी समय समय पर सारे काम होंगे अगर ये बात है ना तो आएगा वो टाइम जगह तू बताएगी और जंग हम लड़के दिखाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा सारी दुनिया देखेगी अगली बात में क्या बताने लगे अर्जुन द्रौपदी को। बता दे ले जगह कौन सी ना जग करने से हम मरने अरे चूहे के मां हम यूं हारे थे ओ चूहे के मां यूं हारे थे अरे मामा शक्ति छल कर गए वहां धर्म भाई के वो कहने में थे हम यूं चक्कर के मैं गिर गए धर्म भाई के कहने में थे यूं चक्कर के मैं गिर गए करे ले बंदे ये जुबान
मत ना के रुक पाओगा। अभी धर्म भाई का हुक्म नहीं है, यूं देखे बोला छोड़ा। तेरी दऊ छुड़ा देऊं ये और बचा देऊं, मैं उतरा कुआरी का डोला। फिर हुआ ये अर्जुन तैयार लड़न में, सुमर लिया शंकर घोड़ा। हुआ ये अर्जुन तैयार लड़न में, सुमर लिया शंकर घोड़ा। हो गए राजे भीरे होता है। हमारे आवाज नहीं निकली, बोला कोई जय? कोई बोल लिया जय? बोलिए सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। ऐसे दे भक्तों दोनों पर हाथ करके जय। एक मिनट, एक मिनट। दुख हरे की मेरी मैया मेरा वाली जी। हाँ जी, दोनों पर हाथ उठा दीजिए। We'll be right back.
सच्ची सरकार की जय हो। मन लगे चुनरिया प्यारी ताली लगे।
सिटी सिटी बाजार मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मन्ना भी गेल ले चल। नहीं तू बता क्या लेके आना है, तू घर का काम कर। देवी पे जाना है। देवी पे मैं लेके जाऊंगा, तू बता तेरे को क्या मंगवाना है। श्रृंगार मंगवाना है। लेके आऊंगा जी, और क्या मंगवाना है? बस मना तो माँ का श्रृंगार ही मंगवाना। बताइए क्या मंगवाना है, सुन ले फिर। सुनाइए। केक मंगवाना है। बताइए। जम्मू शहर में बिके चुनरिया। वो तो दिल्ली में भी बिका है। दिल्ली तो ला दे फेरे। हाँ हाँ, चुनरी तो चाहिए, लाल रंग की। लाल रंग की चुनरी भी चाहिए, पूरे शंगार चाहिए। दिल्ली से बोल फिर। दिल्ली से बोल। हाँ दिल्ली तो लेके चलोगे। दिल्ली नजदीक पड़ेगी हमारे गाजियाबाद के, जम्मू कहाँ जाऊंगा मैं? दिल्ली तो लेके चलोगे। अरे टेंशन मत, नहीं नहीं, जहाँ कहेगी माता के धाम पे लेके जाऊंगा। चुनरी तो दिल्ली से ले आऊंगा ना। तो सुन ले फिर। सुनाइए। जम्मू शहर में बिके चुनरिया। जम्मू शहर में बिके चुनरिया। ओ बाल मामा ओ बाल मामा की लारे चुनरिया। गले में से नहीं निकलती है, माइक में से नहीं निकल रही। दिखाइए। रेकोरी रे, अब तो बोल रहा है बाल माँ। ओ बाल माँ उठा दे यार, रख के क्या करेगा? आप दुकान पे ले जाके सुनेगा बाद में, कल ना खोल के पूरी तो खोल दे, उड़ी खोल देना, भैंजू की भी खोल यार आवाज। ओ बाल माँ बोल कोरी रे। ओ बाल माँ प्यार से बोल, प्यार से। ओ बाल मामा की लागे चुनरिया। बहुत खुशी है। कितनी खुशी है? बहुत। जिसको ज्यादा खुशी होती है वो क्या कर रहे हैं? पीछे से आवाज आई, कपड़े फाड़ रहे हैं। हाँ जी, जो माँ से प्यार करते हैं, जो माँ को मानते हैं, वो अपन की जगह पे खड़े हो जाइए। बैठन तो हम भी नहीं देवेंगे तुमने। आइए सबको नाचते हुए माँ के दरबार पे लेके चलते हैं, खड़े जाइए। शर्माने की बात कोना है, खड़े जाओ। माँ बोल कोरी रे। ओ बाल माँ मेरी जादू चुनरिया। ओ बाल माँ मक्की लाके चुनरिया। ओ कोरी रे हरी जादू चुनरिया। Yeah.
शेरावाली माता की, जोर से बोलो मत बोलो में। हाँ, अरे गाजियाबाद में मैया तेरा गूंज रहा जयकारा, आज आर्य नगर में मैया तेरा गूंज रहा जयकारा, गूंजे है जयकारा हमको तेरा ही सहारा, तेरा नाम बड़ा प्यारा है मैया लागे घना प्यारा। ये भी बच्चे को गोदी में बिठा लिया कि उठाएगा नहीं कोई, बच्चे को हम साइड में कर लेंगे। आइए चाची, आपकी चाची जी खड़े हो जाओ, मैं भी चाची बोल देता हूँ तेरे बीच में। आ जाओ जी, आ जाओ जी। अभी देखो शर्माना नहीं, इनकी डिमांड है मेरी डिमांड नहीं, इन्होंने खुद बोला यहाँ आऊंगी। अजीत संजय क्या बात है। हाँ गूंजे है जयकारा हमको तेरा ही सहारा, तेरा नाम बड़ा प्यारा, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, मन मैया के दर जाना से रबियल रबियल ले जाड़े ते क्यों जिखे। देख दुपट्टा उठा तो मैंने भजन गा दिया, मत उड़ना था ना। हाँ गूंजे है जयकारा हमको तेरा ही सहारा, थोड़े पीछे हो जाइए प्लीज, कह दिया भैया थोड़ा सा प्लीज समझो। देखो इतना हरे शेरावाली मैया तेरा गूंजे है जयकारा, गूंजे है जयकारा हमको तेरा ही सहारा, तेरा नाम बड़ा प्यारा मन लागे घना प्यारा। Yeah.
गाजियाबाद में जग राता रे मन नाच ले वधे ये अंटी आ जा ना रे फोजिड़ा अरे फोजिड़ा मारे बस की बात कोनी ले बेटा पर मामू कोनी में वीडियो बनेगी कैसे हाँ ओ हो रिमैया तेरा भवन तो सजा है कमाल रिमैया तेरा भवन तो सजा है कमाल Oh,
से ना नाचे इसके आगे सारी उम्र नचावेगी नहीं तन्ने या तन्ने सारी उम्र नचावेगी फिर अभी से नाचने लग गया बता बड़ी शानी है तू पढ़ी लिखी ना क्या मतलब पढ़ी लिखी पीड़ी घूम रहे हैं 10 दिन हो गए घर भी नहीं गए घर वाले कहते हैं दिल्ली में ही रहो यहाँ आना ही मत इसीलिए कहता हूँ मेरी मेहरा वाली माता मेरा परिवार मुझसे रूठ जाए ये संसार मुझसे रूठ जाए मेरा यार मुझसे रूठ जाए मेरा प्यार मुझसे रूठ जाए पर हे मेरी शेरा वाली मैया आप मेरे से कभी मत रूठना क्योंकि परिवार रूठेगा तो मना लूंगा परिवार रूठेगा तो मना लूंगा ये मेरा यार रूठेगा इसे भी मना लूंगा यार ऐसे मानते हैं पिट के ऐसे नहीं मानते मेरा यार रूठेगा इसे भी मना लूंगा मेरा प्यार रूठेगा उसे भी मना लूंगा पर हे मेरी माता अगर आप मेरे से रूठ गई तो कैसे मना लूंगा लेकिन फिलहाल आपके दर पे आकर के परिवार मनाने की ना सोची जब सोचांगे तब देखांगे जब सोचांगे तब देखांगे जब सोचांगे तब देखांगे संसार मनाने की ना सोची जब सोचांगे तब देखांगे जब सोचांगे तब देखांगे जब सोचांगे तब देखांगे परिवार मनाने की ना सोची जब सोचांगे तब देखांगे परिवार मनाने की ना सोची जब सोचांगे तब देखांगे जब सोचांगे तब देखांगे कौन सुनीता कब है मैंने बुलावा कौन ओहो ये गलती होगी मारे से नहीं होने देंगे गलती चिंता ना करो हां जी सुनीता जी अभी आपकी भी हाजिरी बस फिर मैंने रागड़ी गानी है ताऊ जी के लिए एक हाजिरी होगी सिर्फ कैसी हाँ हो कोई मनोकामना नहीं है मैया से आपने कुछ नहीं मांगना कुछ भी नहीं मांगना मैया से आपने हाँ चलो चूड़ी पहर लो छोरियो चलो चूड़ी पहर लो छोरियो चूड़ी पहर लो छोरियो मेरी मैया के दरबार की मैया के मेले में चूड़ियां बिक रही हैं और क्या कहती है पहलवान धर्मवीर के मौसा सुन मेरे मौसा सुन ये क्या बात है गायक रहना लुगाई भजन कैसे आओ जी हाजिरी लगेगी ज्यादा धक्का ना करो यार तुम इतना परेशान मत करो हाँ धर्मवीर के मौसा जी बता दिया अतर सिंह पहलवान दूर खड़े खड़े हमारा तमाशा देख रहे थे अभी इनको हमने नजदीक बुलाया है कैसे हाँ अरे
बच्चे माता दी बोल पहलवान आनंद हो जाता है। अरे जय माता दी बोल पहलवान आनंद हो जाता है। चल बैठ बुलेरो में मैया के दर जा। अब पहलवान को मैंने खड़ा किया है इनके सामने होना ही गई। एक बात बताओ, इनके खड़े होते सारी डर गई, क्या बात है? वो भी भागे, मैं भी नहीं आऊंगी, चक्कर क्या है? हाँ बैठ बुलेरो में, आपको बोल रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अच्छा जी, जब तू मोटा में पतली घनी, तुम आप ही तो बोल रही हो। हाँ तोनू मैया के दर जा। हो चल बैठ, डांस करना पड़ेगा, ऐसे हाथ बांधने से काम नहीं चलेगा जी। चाहे दो लाइनों पे डांस करो, फिर छोड़ दूंगा नहीं तो छोड़ दूंगा। ये बात जाता है। अरे एक बार तो आ जाओ, एक बार तो
साउंड ऑफ। और भाई अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए आप लोग, वो गुड़िया है। एक तो डाउन है लेकिन इतनी फिट बैठी हो तुम्हारे समाज पे, तुम कभी नहीं भूल पाओगे उसको, है ना। हाँ सपने में शेरा वाली माता आती है, तो छोटी सी गुड़िया होती है, सपने में शेरा वाली माता आती है और अपनी सहेलियों को बताती है कि मैंने शेरा वाली माता के दर्शन किए और सपने में कैसे कैसे माता ने मुझे दर्शन दिखाए हैं। और एक बात के सपने में होया कमाल सखिए सपने में, सहेलियों बोली ए जीजी के कमाल होया, और के बोली ए मैं पहुंच गई दरबार सखिए सपने में, सखी सपने में सखिए सपने में सखिए सपने में।